एवरीवन, तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि रोशनिया के साथ हम लोग जाने वाले हैं। रोशनिया को लेना कुछ फर्नीचर का सामान, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कहाँ जाना है रोशनिया? हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राजन भाई के चैनल में। एंड अभी का सीन ये है कि हम और राजन पीछे सुबह में, वो लेट के आराम कर रहे हैं क्योंकि वो हाजीपुर जस्ट गया था और थक चुका है। हाय बोलिए। तो फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। एंड जैसा कि आपको पता है, राजन ने बताया भी होगा या नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं फर्नीचर की सामान लेने। एक्चुअली हमारा जो स्टूडियो बनने वाला है तो उसमें कुछ हमें सोफा लेना है। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग हाजीपुर जाएंगे, बट हाजीपुर का प्लान कैंसिल करके हम लोग अभी मुजफ्फरपुर निकल रहे हैं। फिलहाल अभी आधे रास्ते हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉपेज लिया है। एंड यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे मुजफ्फरपुर, वहाँ पे सोफा लेंगे नहीं, पहले इंक्वायरी करेंगे, मोल मुलाई करेंगे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो मोल मुलाई तो हमारा हक है, तो मोल मुलाई तो करना बनता है ना। तो फिलहाल चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा, मजेदार ब्लॉग होने वाला है, एंजॉय द ब्लॉग। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं और फिर आगे आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम लोग कैसा पसंद कर रहे हैं, ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। चलिए तो फिर बने रहिएगा इस ब्लॉग में। गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहां हम लोग को सोफा लेना था। तो फिर चलते हैं, देखते हैं रोशनिया को क्या कुछ पसंद आता है और कैसा रेट रहने वाला है। और और हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना एक दो शोरूम और देख ले वहाँ पे, और फिर कुछ समझ में आता है तो फिर आगे देखा जाएगा। तो फिर चलिए आगे और वहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ का डाइनिंग टेबल, जो कि वो तो हम लोग को लेना नहीं है क्योंकि हम लोग के पास वो अवेलेबल है। तो बस, तो बोलिए भैया क्या कुछ टेबल है, खाना होना चाहिए था, जो हाँ था। तो पता नहीं था ना कि हम लोग आने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ रहता टेबल पे, क्या बोलिए भैया? वही बताए नहीं थे, गलती हो गया, पर बता के आना चाहिए था हम लोग को। हम लोग देख लिए थे और एक दो जगह और आगे चल के देखते हैं और फिर क्या कुछ प्राइस डिफरेंस होने वाला है, और अगर पसंद पड़ता है तो फिर लेंगे। चलिए फिर चलते हैं गाइस आगे। हम लोग वहाँ से आ गए थे कुछ खाने के लिए होटल में, तो हम लोग ने सोचा रोशन गया, बोले कि चलो अब कुछ खा लेते हैं। तो बस हम लोग कुछ आ गए थे खाने, तो देखिए यहाँ मशरूम चिली है, इधर मिक्स वेज, और फिर यहाँ बिग सलाद, और जो कुछ भी है हमारा इधर जो भी लगेगा। तो फिर चलिए गाइस आगे दिखाते हैं। और ये ट्रीट मिला है रोशन भैया की तरफ से, तो रोशन भैया ये रैंडम ट्रीट है ना? ये रैंडम ट्रीट है जो ऑलवेज होते रहते हैं, ऑलवेज होते रहता है, लेकिन ये भेज मतलब भेज ट्रीट है, स्पेशल है क्योंकि सावन स्पेशल है भेज ट्रीट। हाँ, क्या थे? तो भैया ने बोला कि चलो कुछ खाते हैं, तो यही हम लोग खा रहे हैं। हमारा मैंचूरियन है, चावल प्लेन। इतना सब कुछ ऑर्डर होने के बाद रोशन भैया जो बोल रहे हैं, एक बार सुनिए हम लोग क्या। कम से कम एक या दो रोटी खाते हैं हम, हाँ। लास्ट में थोड़ा सा चावल या बिरयानी, थोड़ा सा होना वेज बिरयानी। अच्छा, तो ये चार आइटम हम लोग की सर्व हो चुकी है, ये सब हम लोग का सर्व हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और बस अब ये बटर नान है हम लोग का, इसके बाद भी देखिए इसके बाद क्या आता है। फिर टेस्ट कैसा है? सीरियसली अभी ये जब जो वेज का टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं बीच में खाते खाते। ये है गाइस हम लोग का जीरा राइस, हम लोग का प्लाटा खत्म हो गया, अब जीरा राइस की बारी है, अब इसको
ख़त्म करते हैं। एक्चुअली हमने सोचा था कि क्यों ना कुछ इस पे राइस भी ट्राई कर ले, तो हमने जीरा राइस ऑर्डर किया था। हम लोग का खाना हो गया अब कंप्लीट, और अब सलाद बचा वो ख़त्म कीजिए रोशन भैया, नहीं हो पाएगा। सोम या सलाद जो बचा है वो मैं खाऊंगा, आप खाइएगा, लेकिन उसको भी हम लोग ख़त्म करके ही रहेंगे। तो फिर जो बचे उसको पैक करके, हाँ वैसे काफ़ी बचने का तो चांस नहीं, बस वही बचा है। और अब कुछ अच्छा, अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, और अब इस पर से कुछ मीठा हम लोग खा लेते हैं और फिर चलेंगे डायरेक्ट फिर घर की तरफ। टाइम था तो आ गया गुलाब जामुन, कुछ मीठा हो गया, तो चलिए मीठा में ट्राई करते हैं और फिर चलते हैं डायरेक्ट घर। हम लोग का पेट भरा हुआ है, तो लग रहा है कि ये गुलाब जामुन का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम लोग का खाना कम्प्लीट हो चुका है और हम लोग निकल गए थे घर की तरफ, और फिर यहीं पर होता हमारा ये ब्लॉग ख़त्म। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो भी हमारा न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियोस को, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और जल्दी हम लोग का टूर का वीडियो आने वाला है, क्योंकि हम लोग अब बस ट्रिप पे निकलने वाले हैं, तो जो भी ट्रैवल का वीडियो होगा वो आप लोग को दिखाते रहेंगे। और जो भी हमारा ट्रैवल का प्लान है बहुत ही यूनिक तरीके से है और आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।